पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत पीएम स्वनिधि लाभार्थियों के साथ मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संवाद स्थापित किया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं जनपदों के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी तथा लाभार्थी जुड़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के कई जनपदों के लाभार्थियों से वार्ता की तथा उनके द्वारा इस योजना के अंतर्गत किए जा रहे रोजगार की जानकारी प्राप्त की तथा कहा कि इस योजना अंतर्गत गरीबों, पटरी व्यवसायों, ठेला खुमचा व्यवसायों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनका आर्थिक उन्नयन करना है। प्रधानमंत्री ने इस योजना के तहत लाभार्थियों द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की जानकारी प्राप्त करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी तथा कहा कि व्यवसाय की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। सरकार ने गरीबों के हित में यह योजना संचालित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन एवं लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में बड़ी तत्परता से पटरी ठेला व्यवसायियों को लाभान्वित किया जा रहा है। बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए खुले हैं और सबका साथ सबका विकास सरकार की नीति है। इस कार्य योजना से जुड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का हृदय से आभार प्रकट करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन पूरे देशवासियों को प्राप्त हुआ। इसके परिणाम स्वरूप इस वैश्विक महामारी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में पूरे देश के अंदर सफलता प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहली बार पटरी व्यवसायियों के लिए इतनी बेहतर योजना इस कोरोना कालखंड के दौरान पीएम स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत की और प्रदेश में अब तक 7 लाख से अधिक पटरी व्यवसायियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें से 6,53,000 से अधिक पटरी व्यवसायियों ने आवेदन किया है और 3,70,000 पटरी व्यवसायियों के ऋण स्वीकृत हुए हैं तथा 2,73,894 लोगों का अब तक ऋण वितरण का कार्यवाही संपन्न की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये की यह पूंजी उनके लिए काफी मजबूती प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री के वर्चुअल संवाद का प्रसारण गोरखपुर एनएक्सी सभागार में हुआ, जिसके दौरान इस योजना के तहत 20 लाभार्थियों को राज्यसभा सदस्य जयप्रकाश निषाद एवं महापौर सीताराम जायसवाल ने प्रधानमंत्री के वर्चुअल संवाद का प्रसारण गोरखपुर एनएक्सी सभागार में हुआ जिसके दौरान इस योजना के तहत 20 लाभार्थियों को राज्यसभा सदस्य जयप्रकाश निषाद एवं महापौर सीताराम जायसवाल ने 10,000 रुपये का ऋण स्वीकृत प्रमाण वितरित किया तथा कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना गरीबों, पटरी ठेला व्यवसायियों की मदद के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। बताया गया कि जनपद में कुल 13,754 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत तथा 10,331 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया है। इस अवसर पर विधायक ग्रामीण विपिन सिंह, जिलाधिकारी केवजन पांडेयन, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी तथा योजना के लाभार्थी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए योजना के लाभार्थियों और जिलाधिकारी केवजन पांडेयन ने कहा, पूरे देशवासियों को प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इस वैश्विक नियंत्रित करने में पूरे देश के अंदर सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश ने अपने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से वैश्विक महामारी कोरोना को प्रभावी नियंत्रण करने में जो प्रदेश की 24 करोड़ जनता की जान की भी और जहान की भी रक्षा पूरी तीव्रता से करने का प्रयास किया। आभारी हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का। पहली बार पटरी व्यवसायियों के लिए कितनी बेहतर योजना इस कोरोना कालखंड के दौरान पीएम स्वनिधि के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तुत की और इस योजना के अंतर्गत आज प्रदेश में अब तक 7 लाख से अधिक पटरी व्यवसायियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें 6,53,000 से अधिक पटरी व्यवसायियों ने आवेदन किया है पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत कि
370,000 से अधिक पब्लिक व्यवसायों के ऋण स्वीकृत हुए हैं। और ये बताते हुए प्रसन्नता है कि आज अपने प्रधानमंत्री जी के समूह की 2,73,894 ऋण वितरण की कार्रवाई संपन्न की जा चुकी है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के 2,74,000
सभी व्यवसायियों के साथ सीधे संवाद के कार्यक्रम में एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पटरी व्यवसायियों ने अपना रजिस्ट्रेशन अब तक कराया है, ये सभी पीएम स्वनिधि योजना का लाभ प्राप्त कर सके। यहाँ पर सभी बैंकर्स भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और इन लोगों ने पूरी मेहनत के साथ देश के अंदर न केवल पटरी व्यवसायियों को बल्कि हमारे प्रवासी कामगारों श्रमिकों को भी इससे काफी बड़ी मदद मिली है। एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए आज के इस आयोजन में उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से उत्तर प्रदेश के तीन शहरों आगरा, वाराणसी और लखनऊ के पीएम स्वनिधि के हितग्राहियों से संवाद के लिए सादर अनुरोध करता हूं। सर्वप्रथम जनपद आगरा के हितग्राही स्वनिधि योजना ने आपकी किस तरह मदद की है? जो स्वनिधि योजना है उससे आपको लाभ कैसा हुआ है, क्या हुआ है? लाभ आप कितना पढ़ी है?
विकास। अच्छा, ये आपने अपने पैरों पर खड़ा होना, परिवार को भी खड़ा होना तय किया। जब तक आपकी हमारी होगी, आप खड़े रहोगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, आपके आप देखिए माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं काम कर रहा हूँ। आप सब माताओं बहनों के आशीर्वाद से ही मैं काम कर रहा हूँ। और जब आपके आशीर्वाद ज्यादा मिलते हैं तो ज्यादा दौड़ने का मन कर जाता है, तो मैं और ज्यादा काम करूँगा। क्या आपको पता है कि अगर आप डिजिटल पेमेंट करोगे जैसे आपने मुझे दिखाया, तो आपके खाते में सरकार की तरफ से कैशबैक भी मिलता है? मालूम है? हाँ जी सर, सालाना मिलता है 12,000 रुपए। हाँ, तो इसका फायदा जरूर लीजिए। हाँ जी सर। और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट करके आप अपने ब्याज को भी कम कर सकते हैं। और एक प्रकार से आपका स्थिति बन सकती है, बिना ब्याज पैसे काम करना शुरू कर। जितनी आपके फल खाकर लोगों की सेहत तो अच्छी होती ही है, डिजिटल पेमेंट और कोरोना की सावधानी जिस तरह आप रख रही हैं, उससे भी सबके स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी। उम्मीद है कि आपका व्यापार खूब बढ़ेगा और आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा आदि दे सकेगी, परिवार का पालन पोषण और अच्छी तरह से करने में आपकी मदद बहुत काम आएगी। प्रीति जी, मेरी आपको शुभकामनाएं है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, विजय बाबू जी। योजना से हमने रोजगार का 10,000 रुपये लेकर के कारोबार लगाए थे। लैया चना, मूंगली, मटर सब ला कर हमने दौड़ा लग किया है, दौड़ना भी देता है। तो ये बात बहुत खुशी की बात है कि आपका समय भी बच रहा है और आप धंधे पर अच्छा ध्यान दे पा रहे हैं। जी, यहाँ मार्केट भी है और सब शाम को नाश्ता इसी से करते हैं। तो लैया चना के लिए कुछ लोगों को बड़े आदि होंगे। केवल यहाँ नाम आ रहा है, सबसे लोग कह रहे भैया हमारे सबसे लोग भी हमारे भी खाते पैसे आ गए, हमने भी अपना कारोबार चालू कर लिया है। और परिवार में बच्चे पढ़े और सब आगे जाएंगे। सभी शहरों में कुछ नाम हो जाने के लिए
ईमानदारी और आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं। देश के सामने अपनी ईमानदारी का उदाहरण पेश किया। आज देश में स्ट्रीट वेंडर्स को सॉरी लोग समय से चुका भी है। हमारे यूपी के स्ट्रीट वेंडर्स भी मेहनत करके कि हमारे देश की ईमानदारी साथियों पीएम स्वनिधि योजना के बारे में आपको बैंक से यहाँ भी आपको इसके बारे में बताया है। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जाना जरूरी है। आपको क्या खाने में जमा हो यानी ये दोनों चीजें करने के बाद एक प्रकार से आपका जो लान दो है ये पैसा ये मुझे हर समझ है कि हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन सुना। सबसे पहले मैं हर्ष के साथ स्वागत कराना चाहूंगा मंच पर आसीन सभी आदरणीय अतिथियों को और हमारे सामने उपस्थित सभी लाभार्थियों को कि आपका गोरखपुर शहर पीएम स्वनिधि योजना में ऋण वितरित कराने में देश में चौथे स्थान पर है। ये आप सबके सहयोग और परिणाम में विशेषकर बैंकर्स के सहयोग पर हमारे साथ दिन रात लगे हुए हमारे सहयोगी अधिकारी मंडल का माननीय मेयर साहब के मार्गदर्शन का आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन का ये परिणाम है कि हम देश में चौथे स्थान पर हैं। आप सब अवगत है कि पीएम स्वनिधि योजना के अतिरिक्त प्रदेश सरकार ऑपरेशन शक्ति जो हमारी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनकी स्वतंत्रता उनके आत्मनिर्भरता के लिए चलाया जा रहा है और ये शादी नवरात्र से चैत नवरात्र तक कुल 180 दिन का कार्यक्रम है। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि हमारे पटरी दुकानदारों में सम्मानित महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में उपस्थित हुई हैं और मैं चाहूंगा कि सब लोग कर्तव्य भूमि से एक बार इनका स्वागत करें। यहाँ पर हमारे कुछ दुकानदार साथियों को प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा जो हमारे सम्मानित प्रतिनिधि वितरित करेंगे। कंचन विश्वकर्मा जी फातिमा जी हाँ फातिमा पैसा जुगाते रहिए पैसा आपके खाते में आते रहेगा। हाँ इधर इधर चलिए आइए। अनिता बुद्धि देवी इधर देखिए इधर 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 देखिए इधर देखो वैसे आते रहेगा खाते में सामने बैठे हुए सभी रेहड़ी पटरी व्यवसायी व्यापारी कल यहाँ पर सामने बैठे हुए आप सभी महानगर इस कर्मचारी
मीडिया से आए हुए सभी साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। आज इस देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी आप लोगों को जो सम्मान देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो व्यवस्था किया है, उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री की पहल पर जो योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, उन्होंने आप लोगों के लिए ये सारी व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आप लोगों को उपलब्ध कराने का जो किया है। आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में आप सबके जो दुकानदारी बंद हो गई, आप लोग अपने दुकानों को बंद कर दिया, रोजी रोटी कुछ दिनों तक नहीं मिली, अपने प्रधानमंत्री जी ने आपकी चिंता किया, आपके प्रति सचेत हुए। ये गरीब मजदूर तबके के लोग रेडी भंचा लगा करके इसी तरह से अपने परिवार को खिलाते और खिलाते हैं। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो सर्टिफिकेट दिया गया है, अभी आपने अपने जिलाधिकारी महोदय ने आपको चलाया है, इसमें आपके खाते में 10,000 रुपये पहुँच गए हैं। अगर ये पैसे आप चुकाते रहेंगे बार बार, आपको कभी रुपये की कमी नहीं होगी, आपके खाते में बराबर रुपये आते रहेगा। इसलिए जो पैसे आप उसमें से निकालेंगे, उसमें कमाई करके उसमें बार बार डालते रहेंगे उस खाते में, तो आपके खाते में कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप निरंतर आपके खाते में रुपया आता रहेगा और आप लोगों का काम चलता रहेगा। अब आप लोगों का काम बंद होने वाला नहीं है, आप लोगों को सरकार पूरी व्यवस्था देना चाहती है और देने की पूरी कोशिश कर रही है, दे रही है, और आप लोगों को आत्मनिर्भर बन करके अपने ऊपर किसी का मोहताज नहीं होना होगा। आप अपनी कमाई से अपना रोजी रोटी चलाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा करके उनको आगे बढ़ाएंगे। हम समझते हैं कि आदरणीय उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने आप लोगों को बहुत सारी लक्ष्मण कुमार निषाद जी चाट की दुकान लगाते हैं। ये लॉकडाउन में मेरी सारी मतलब धीरे धीरे स्थिति खराब हो गई थी, ये 10,000 की लोन मिली है, इससे धीरे धीरे अपना कमाएंगे। अच्छा लग रहा है सरकार के द्वारा मदद किया जा रहा, बिना किसी गारंटर के लोन दिया गया, बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा मोदी साहब की कि जो मुझे 10,000 की लोन मिला रोजगार के लिए, जिससे मेरी धीरे धीरे स्थिति बहुत बढ़िया हो रही है, 500-700 डेली कमा लेते हैं। अंडा लगाते हैं, अंडा लगाएंगे। कुछ कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी का और योगी जी के बारे में, बिना गारंटर के आपको लोन दिया गया? प्रधान जी का, मोदी मोदी जी का, दोनों जन का धन्यवाद है। हमारा नाम है खजांती। ये लॉकडाउन जब से लगा है, हम लोग का भर्ती भाव टूट गया खाने पीने में। अब मोदी जी और योगी जी ने हम लोग को 10,000 रुपया दिया है लोन, अब इससे हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे और जो भी पैसा लाभ होगा वो जमा करेंगे उनके खाते में, ताकि उनका भी काम पूरा हो जाए, हमारा भी काम पूरा हो जाए। प्रधानमंत्री और योगी जी को कुछ कहना चाहिए बिना गारंटर के? बिना प्रधानमंत्री योगी और मोदी तो जो काम कर रहे हैं, आज तक कोई ऐसा नेता किया नहीं है कि बिना जाने पहचाने 10,000 रुपया लोन दे दिया है, यही बहुत बड़ा काम किया है। आगे अब क्या करेंगे इस पैसे का? आगे अब यही करेंगे कि जो पैसा कमाएंगे उनके भी खाते में जमा करेंगे, अपना भी बाल बच्चन का पालन पोषण करेंगे, हमारा यही काम है। जी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का आज लॉन्चिंग हुआ है, गोरखपुर का सौभाग्य बात है। हम लोग देश में चौथे नंबर पे थे, तकरीबन 11,000 लाभार्थी के खाता में पैसा पहुंच गया है और 23,000 लाभार्थी का लोन सैंक्शन भी हो गया है। और इस पे खास तौर पे जो छोटी छोटी व्यापारी होते हैं, जो ठेला चलाने वाले, रेवड़ी चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, इन्हीं लोगों के खाते में 10,000 रुपया जा रही है। और डिजिटल ट्रांजैक्शन का बढ़ावा देने के लिए, यदि वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करेगा तो 1,200 रुपया सालाना उनको बचत रहेगा, और यदि ईमानदार से वो पैसा झुकाते रहेगा उनके खाते में रिचार्ज होते रहेगा, यानी पैसा दोबारा मिलते रहेगा। एक अच्छा योजना है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी माध्यम से बहुत सारे लाभार्थी को आज फायदा मिला। गोरखपुर में तो आज 10,330 लोगों का खाता में पैसा पहुंच गया है, बट सैंक्शन 14,000 का, यानी शाम तक और 4,000 जुड़ जाएंगे। टोटल तो 23,000 का लक्ष्य है हमारा, 23,000 लोगों तक पहुंच गया है, 23,000 लोगों का लोन सैंक्शन हो गया है,
उस पर 14,000 लोग का खाते में पैसा पहुंच गया है। बीच में त्यौहार के नाते से थोड़ा बैंकर्स छुट्टी पे थे, अभी एक दो दिन में वो भी पहुंच जाएगा, यानी गोरखपुर में 23,000 लोग का लाभ मिलेगा।